ओके ठीक है स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो हम यहाँ पे करने वाले स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे सो यहाँ पे टॉपिक की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है स्टूडेंट, आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, कुछ थ्योरम या कुछ थियरी पार्ट है ही नहीं, तो सबको मेरे साथ सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा एंड ये सब आपका एनसीईआरटी बुक में भी रहता है। ठीक है सो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, सब लोग को मेरे साथ आंसर करना, मैं डायग्राम भी बनाने वाली हूँ। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव इट, पहले वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बोला है 5 यूनिट बिलो इट। ठीक है, मैं डायग्राम आपके लिए बना देती हूँ, फिर आप देख के यहाँ पे मुझे आंसर करने वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे बोलेंगे वाई, यहाँ पे एक्स, आप चाहे तो यहाँ पे एक्स डैश लिख दीजिए, यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन है, एंड यहाँ पे आपके पास वाई डैश लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओरिजिन के नीचे वाई वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या बोला है, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस भी बताया है उसका एक्स एक्सिस से कितना है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे लाइन लेके दिखाऊं स्टूडेंट आपको, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई लाइन है येलो कलर में आपको दिखा रही स्टूडेंट, यहाँ पे इसका कुछ नाम बोलना चाहिए, जैसे L1 आप बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये लाइन L1 का, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस कितना बताया 4 यूनिट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, अगर बात की जाए ये वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली ऐसा पॉइंट रहेंगे जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4,0 स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस आपको ओरिजिन से पता है ये लाइन L1 का कितना है, 4 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाऊँ यहाँ पे, क्योंकि आपको 2 लाइन का इक्वेशन बताना है, तो देख लीजिए कुछ ऐसा रहेगा आपके पास। ओके यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपके पास स्टूडेंट, ये रफ डायग्राम है, अगर कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एक ग्रीन कलर का मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर आपने बोला कि ये लाइन का नाम जैसे L2 है, इसका इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, और क्या पता है आपको ये लाइन का, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसका पहले वाले केस में बोला है जो लाइन L1 है उसका 4 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से, और ये जो दूसरी लाइन मैंने जो L2 बनाया है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 5 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट, -5,0 हो जाएगा कि नहीं? एवरीवन आवाज आ रही है मेरी? इसमें ओके ठीक है स्टूडेंट, तो अभी कौन स्टूडेंट मुझे यहाँ पे आंसर बताने वाला है, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाली हूँ। ठीक है, पहले वाले केस की, ठीक है, क्या बता रहे हैं, जो लाइन है उसका इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से 4 यूनिट, मतलब लाइन L1 की इक्वेशन बताइए स्टूडेंट। डायग्राम में भी देख सकते हैं जो पीले रंग की जो लाइन मैंने यहाँ पे की है, यहाँ पे एक चीज तो आपको पता चल गया। अच्छा स्टूडेंट, मैंने कुछ तो मिस्टेक करी, किसी ने बताया ही नहीं, एक सेकेंड रुको स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या करी है, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने लिया है स्टूडेंट वो वाई एक्सिस पे है, ध्यान ही नहीं दिया किसी स्टूडेंट ने। ओके यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया, इसके यहाँ पे भी गलत लिखा है स्टूडेंट, वापिस से मैं करेक्ट करती हूँ। यहाँ पे लाइन L1 है, लाइन L2 है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, लाइन जो L1 है उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 4 यूनिट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का रहेगा ना वाई एक्सिस के ऊपर, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मेरा मिस्टेक क्या है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे वैसे क्या होगा स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट, देख लीजिए एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो इश्यू हो रहा है, तो एक तो आपको पता चला है एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -5। एवरीवन प्लीज बताइए, यस है मैम।
अभी करेक्ट है ना, चेक कीजिए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ ले। पहले हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि वो वाई एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट रहते हैं 0। तो स्टूडेंट लाइन L1 का इक्वेशन क्या होगा, डायग्राम से भी देख सकते हो कि जो लाइन L1 है उसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। लाइन L1 के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहने वाला है पॉइंट का, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप रैंडमली लाइन के L1 के ऊपर लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 4 मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लीज बताइए। पहले वाले केस में लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा क्या, वाई इज इक्वल टू 4। एवरीवन पक्का ना, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछिए। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने जो लाइन L2 ली हुई है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एंड यहाँ पे वो लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दिया हुआ है, 5 मिनट, ठीक है। आपको पता है ओरिजिन के नीचे यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ये यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन L2 है ग्रीन कलर की, इस पे हमेशा आपको पता चलेगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट वो -5 रहने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड वाले केस में अगर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जिसका डिस्टेंस 5 मिनट है एक्स एक्सिस से और ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू -5 होगा कि नहीं, किसी को डाउट है? हाँ पक्का ना स्टूडेंट, समझ में आया? पहले मिस्टेक कर दी थी वो आप ध्यान रखिए, जो हमने यहाँ पे पता है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर लिए आपको डिस्टेंस दिया है कि ओरिजिन से कितना। अच्छा, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं चैट भी पढ़ लेती हूँ आपका, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया यहाँ पे, अभी बता दीजिए, पक्का ना? मतलब आप यस याद मैम, रखिए, जब भी आपको पूछेंगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आपका आंसर कैसा आएगा, वाई इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी तो आपको मिलेगा वाई इज इक्वल टू सम के, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि वो लाइन का, अगर वो लाइन जैसा कि मैंने बोला, जो लाइन है यहाँ पे अगर बोला होता पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका डिस्टेंस कितना है, जैसे 4 मिनट, के की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है के आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने बोला कि वो जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है नीचे है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट वाई कोऑर्डिनेट आपको निगेटिव मिलेगा, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू समथिंग, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। पहले वाले केस में y इज इक्वल टू 4, दूसरे वाले केस में y इज इक्वल टू -5। किसी को डाउट है? नहीं ना नो मैम, स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा था, नेक्स्ट वाला आप लोग बताने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5,6 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। स्टूडेंट रफ डायग्राम बना रही, पहले तो मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा ये वाले पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, जहां पे x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव। कोई भी स्टूडेंट अगर जवाब देना चाहे तो यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। मैं तब तक यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ पे बना दिया है, जैसे आपके पास y एक्सिस, यहाँ पे x डैश बोल दीजिए। किसी ने कुछ पूछा है क्या? नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट ने चैट में भी आंसर बताया है, यहाँ पे ओरिजिन है आपके पास स्टूडेंट, एंड यहाँ पे आपको पता है वाई डैश लिखना चाहे तो लिख दीजिए, ठीक है। अभी मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लेना है, मैं प्रॉपरली तो दिखा नहीं रही, रफली यहाँ पे ले लेते स्टूडेंट। तो सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेंडमली मैंने लिखा है स्टूडेंट, आज नहीं तो आप पूरा प्रॉपरली डिस्टेंस लेके दिखा सकते हो, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बोला -5,6, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, वो लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ये वाले पॉइंट से पास करे, और पहले वाले केस में क्या बोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसा होगा स्टूडेंट, देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर का जो मैंने डॉट दिखाया, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी तो नहीं बने प्रॉपरली, कुछ ऐसा लाइन बनेगा, नहीं अभी भी थोड़ा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट दिख रहा है ये जो येलो कलर की लाइन है, ये आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लग रही है ना, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए यस लाइन, मैम, ठीक है स्टूडेंट। ये लाइन है L1, ये क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, दूसरा लाइन भी ड्रॉ करते जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो ब्लू कलर का दिख रहा है, मैं अभी इसको हाईलाइट भी करती हूँ, इससे पास होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक पॉइंट था, ये आपने बोल दिया है, ये लाइन है L2, और जो इस पॉइंट की बात कर रहे थे वो हमने यहाँ पे लिया था, दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास -5.6। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, दो लाइन होगी, एक येलो कलर की दिख रही है, पीले कलर की L1 लाइन बोला है, दूसरी जो ग्रीन कलर की लाइन L2। ठीक है, तो आपको L1 लाइन और L2 लाइन की इक्वेशन बतानी है, और आपको क्या पता है ये जो लाइन है L1 L2 वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, -5.6। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज यहाँ पे मुझे बताइए, अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहे तो मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -5.6, और ये जो लाइन L2 है ये आपका x एक्सिस के पैरेलल है, एग्री कर रहे हैं सब लोग? ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये लाइन L2 का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं स्टूडेंट मुझे। देखो ये देखिए L2 आपको दिख रही है और ये -5.6 से पास हो रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे L2 लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है, देख सकते हो आप y कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा, y कोऑर्डिनेट फिक्स है यहाँ पे पॉइंट का, सिर्फ x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो यहाँ पे L2 लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करें तो ये हो गया 6 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो लाइन L1 है, ठीक है, ये अगर मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस स्टूडेंट ये कितना होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट, डिस्टेंस नो नेगेटिव होता है, ये आपके पास हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे अगर आप कोई मुझे लिख के यहाँ पे लिखना भी चाहे तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये वाला, ये जो येलो कलर की जो लाइन है L1, उसके ऊपर डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा रहेगा, कौन सा वाला प्लीज बताइए, क्योंकि यहाँ पे एवरीवन डायग्राम सबको समझ में आया, प्लीज मुझे बताइए, L1 है और L2 मैंने ऐसा बनाया आपके पास, तो यहाँ पे L1 लाइन और L2 लाइन की इक्वेशन बतानी, ठीक है, एक जो L1 लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, L2 लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। स्टूडेंट अभी x एक्सिस वाला केस अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे अगर लिखना भी चाहे तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, जो L2 लाइन है उसके ऊपर आपका कोऑर्डिनेट की बात की जाए, देखो यहाँ पे ये x एक्सिस, वेरी गुड, यहाँ पे क्योंकि आपको पता है ये जो पॉइंट मैं रेड कलर से ले रही है, दूसरा कलर यूज करना चाह रही हूँ, लेट मी चेक, हाँ ये येलो सा दिख रहा है थोड़ा सा अच्छे से, तो अभी भी नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, ये देखो ब्लू कलर से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये जो पॉइंट है लाइन L2 के ऊपर भी है और y एक्सिस के ऊपर भी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा 0.6। ठीक है, ऐसे अगर देखना चाहे तो, और यहाँ पे अगर ये देखो, ये जो स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर आपको दिखाया है कि x एक्सिस और ये जो लाइन L1 का डिस्टेंस है 5 यूनिट, ठीक है, एंड यहाँ पे स्टूडेंट जो लाइन L1 है यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का डॉट करके दिखाया है, ये पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट आपको बताऊं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0-5, -5.0 या 0.-5, देख लीजिए, वेरी गुड, -5, क्योंकि स्टूडेंट ये x एक्सिस के ऊपर भी है ना, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ब्लू कलर का, ये जो अभी रेड से भी मैंने दिखाया, इसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये हो जाएगा -5.0। स्टूडेंट अभी ऑब्जर्व करके मुझे बताइए क्या इक्वेशन होगी पहले वाली लाइन की, ठीक है, आपको डायरेक्टली भी बता सकते थे y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है और ये पॉइंट जो -5.6 से पास हो रही है, वो लाइन की इक्वेशन मुझे बताइए। ठीक है, पहला वाला जो है यहाँ पे y एक्सिस के जो पैरेलल है, मतलब लाइन येलो वाली लाइन की बतानी है आपको, बता सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन L1 ऑब्जर्व कर लीजिए, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा आपको ये लाइन के ऊपर -5 दिखेगा, ठीक है, एग्री कर रहे हो कि नहीं, आपने ये भी पढ़ा था जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसमें x इज इक्वल टू समथिंग आता है, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग आता है। प्लीज बताइए क्या लिखूं यहाँ पे, मैं आंसर यहाँ पे नेक्स्ट वाले में लिखती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर स्टूडेंट बताइए, जो लाइन 5.-5.6 वाले पॉइंट से पास हो रही है, पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब यहाँ पे लाइन L1 की बात हो रही है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5, किसी को डाउट है? ना ऑब्जर्व कर सकते, वैसे तो दोनों डायग्राम अलग अलग बनाना चाहिए लेकिन मैंने एक में ही दिखा दिया आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास पहले वाले केस में लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू -5। सेकेंड वाले केस में स्टूडेंट बताइए, जो लाइन -5.6 से पास हो रही है, लाइन L2 की बात करी और एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो
सिक्स है सारे पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या लिख दूं मैं, वाई इज इक्वल टू सिक्स, किसी को डाउट है? पक्का ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, अच्छा किसी को डाउट रहेगा कोई भी स्टेप में तो प्लीज पूछिए। तो हमने जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, फाइनल एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको दिया है 3, -2 विद द स्लोप -2। स्टूडेंट याद है किसी को पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर लाइन का स्लोप दिया हुआ है और आपको पता है लाइन को एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, या पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल सकते हैं, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, जैसा भी आप नाम देना चाहे लिख दीजिए, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्टूडेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, पूरा डिटेल में लिखना चाहिए एग्जाम में आपको, फाइनल एग्जाम में। मैं अभी आपको डायरेक्टली बता रही हूँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस 3, -2 विद स्लोप -2 इज गिवन बाय, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, मैं ऐसा लिख रही हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट कैसा होता है, अगर आपको पता है कोई लाइन है जो फिक्स पॉइंट, जैसे x1, y1 आपको ऐसा बोल देंगे कि ये लाइन ना ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट फिक्स है कि नहीं, लेकिन वो ये बताएंगे कि ये लाइन ये वाले पॉइंट से डेफिनेटली पास हो रही है, लाइन का स्लोप आपको पता है, तो इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, y-y1 = m (x-x1), ठीक है। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y-y1, y1 क्या है यहाँ पे -2, स्लोप कितना है -2, तो यहाँ पे x-x1। सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपके पास, y+2 = -2x + यहाँ पे 6, यही है कि कुछ अलग है, प्लीज बताइए, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये -2x को इधर लेके आएंगे तो अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + y, और ये जो 6 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 + 2। स्टूडेंट ये इक्वेशन आ रही है कि कुछ बताइए स्टूडेंट, 2x + y - 4 = 0, सबका यही आया कि कुछ अलग बताइए स्टूडेंट्स, तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है, एग्जाम में लिखेंगे तो लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी एल, ठीक है, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आप x1, y1 के फॉर्म में लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, स्लोप हम m से डिनोट करते हुए दिया है आपको -2, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2x + y - 4 = 0 आया है, बाकी सब लोग का क्या आंसर आया प्लीज बताइए, सेम आया कि कुछ अलग, एवरीवन चैट में भी मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने बताया है क्या, वेरी गुड, यहाँ पे जिया ने आंसर बताया है, सिमरन ने, ऋषिता, करिश्मा, कशिश, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया स्टूडेंट, आप प्रॉपरली लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग द स्लोप m इज गिवन बाय y-y1 = m (x-x1), मैंने डायरेक्टली लिखा है लेकिन आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम में क्योंकि मार्क्स मिलते हैं इसलिए पूरा डिटेल में लिखिए आप, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बताइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 and 2, 3, कौन बताएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है सबने, एवरीवन पढ़ा है ना, तो यहाँ पे अगर बोले तो x1, y1 and x2, y2 अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y-y1 / x-x1 / x1 - x2, ठीक है। चलो लिखते हैं ये वाला, तो हम लिख सकते हैं इसका, कुछ नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेट द गिवन पॉइंट्स, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, आप बोल सकते हैं ए नाम दे दिया सपोज आपने इसको, एंड यहाँ पे बी नाम दे दिया इसका जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आपको क्या पता है, पूरा डिटेल में लिखना चाहे तो डिटेल में लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं तो डायरेक्टली आप मुझे इसका इक्वेशन बता ही सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक बार लिख के दिखाई देती हूँ, x1, y1 and x2, y2 is given by,
ठीक है, अभी बहुत सारे तरीके से लिखते हैं, तो ये वाली डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, वो इक्वेशन का मतलब वो लाइन का इक्वेशन जो दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है एंड एक्स टू कॉमा वाई टू है स्टूडेंट। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे वाई इक्वेशन हो जाएगा इसका, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू है इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, स्टूडेंटों ने फॉर्म लिखा है, क्योंकि आप लिखेंगे तो फाइनल एग्जाम में अच्छा रहेगा, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर जेई में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ये अप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, पासिंग through the point, पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दीजिए, ए एंड बी इज गिवन बाय, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है आपको सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ वाई माइनस वाई वन। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो ओके कोऑर्डिनेट हमने सही, यहाँ पे माइनस है आपके पास। ठीक है, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे मैं माइनस टू है। ठीक है, तो वाई माइनस ऑफ माइनस टू, ओके फिर उसके बाद क्या करते हैं वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है स्टूडेंट, वाई टू की बात करें तो ये हो गया थ्री, एंड ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट वन, एंड यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू हो गई टू। प्लीज अच्छे से सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड यहाँ पे मुझे बताइए क्या इक्वेशन मिल रही है। तो यहाँ पे मिल रहा है वाई प्लस टू अपॉन आपको मिल रहा है माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, अभी अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो अभी कर दीजिए, आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर देती हूँ, या उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करना है तभी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर आपको ऐसा लिखना है तो लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले माइनस ऑफ वन इंटू वाई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव इंटू एक्स माइनस वन, अभी कैंसिल कर दीजिए, किसी को डाउट रहेगा तो वो डाउट चला जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हमें मिल रहा है वाई प्लस टू इज इक्वल टू, सोल्व कर लेते थोड़ा सा, वाई प्लस टू आपको मिल रहा है फाइव इंटू एक्स माइनस वन, तो ये हो गया फाइव एक्स माइनस फाइव, हाँ फाइव एक्स माइनस फाइव हो गया। एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्या करें बताइए, और अच्छे से लिखना चाहे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको राइट साइड में भेज देते हैं, तो फाइव एक्स माइनस वाई फिर है माइनस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा मिलेगा, चेक करते हैं स्टूडेंट। तो फाइव एक्स माइनस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन मिल रहा है सबका, प्लीज बताइए, उसके बाद लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे स्टूडेंट जिया ने आंसर बताया, मुस्कान ने, दो मुस्कान है यहाँ पे, ऋषिता, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे करिश्मा ने भी आंसर बताया है, सबका यही आ रहा है ना, प्लीज बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, किसी को डाउट है स्टूडेंट यहाँ पे बता दीजिए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन ही सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है, एंड द एंगल विच द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स इज 210 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किसी को यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? हमने एक नॉर्मल फॉर्म सीखा था, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से 5 मीटर। ठीक है, और एंगल जो है बेसिकली विच द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मेक इज 210 डिग्री, तो यहाँ पे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसके उसका इक्वेशन हमें, अगर डायग्राम की बात करें तो स्टूडेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सीखा हुआ कि कैसे करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम नॉर्मल फॉर्म का स्टेटमेंट जो है वो यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले रफ डायग्राम आपको पता होना चाहिए डायग्राम कैसा दिखेगा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस है आपके पास, यहाँ पे एक्स डैश लिख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है आपके पास एंड यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट कोई लाइन है हमारे पास और ये जो लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से, वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 210 डिग्री एंगल बनाया, 210 डिग्री ये दिया हुआ है। तो उसकी बात की जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका कुछ ऐसा डायग्राम बने। देख लीजिए जो लाइन है कुछ ऐसी इधर रहेगी, मैंने रफ डायग्राम बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइन का कुछ नाम देना चाहिए, L1 बोल दीजिए आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या होगा, आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सा कलर यूज करें, ओके, जैसे ब्लू कलर से मैं दिखा देती हूँ, ये ओरिजिन से आपने लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपके पास, ठीक है। अभी क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो, ओके, यहाँ से मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका बेसिकली कितना एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 210। तो आपको क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये आपको पता चला ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये आपको दिया है 210 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो लिख दीजिए M, ठीक है। स्टूडेंट डायरेक्टली हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अगर आपको पता है ओरिजिन से लेके जो गिवन लाइन है उसका जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है गिवन लाइन के ऊपर, उसका लेंथ अगर आपको पता रहता है, याद है हमने क्या किया था, हमने नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था कि बेसिकली अगर टी लेंथ है ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका लेंथ आपका अगर टी यूनिट है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो अल्फा एंगल है बेसिकली ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये जो परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपका अल्फा है, अल्फा हमने पढ़ा था 0 से 360 डिग्री के बीच में रहेगा, ये इंक्लिनेशन नहीं है, ये अलग वाले की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये जो परपेंडिकुलर में जो एंगल बन रहा है 210, उसको हम अल्फा से डिनोट करते थे, तो ये जो लाइन L1 है इसका नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन कुछ ऐसा होता था, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो स्टूडेंट अल्फा भी दिया है 210 डिग्री, 210 डिग्री, पी आपको दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना बोला है यहाँ पे, पी आपको दिया है 5 यूनिट। कर सकते हैं ना स्टूडेंट, यही फॉर्म ही यूज करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और ये लाइन जो L1 है इसका इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे यहाँ पे अच्छे से, एग्जाम में भी इस टाइप का आ सकता है नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ पे लिखते हैं आप, हियर आप लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, अल्फा कितना दिया है 210 डिग्री, 210 यहाँ पे डिग्री है, या 210 डिग्री आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 नाम देना चाहिए तो लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, इन नॉर्मल फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट आपको नॉर्मल पता है क्या होता है, बेसिकली आपने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ये वापस से भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल, बेसिकली यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर के बारे में पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीवन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या नहीं, प्लीज पहले तो बता दीजिए कोई, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यस मैम, नॉर्मल इसलिए बोल रहे क्योंकि हमने एक तो नॉर्मल जो वर्ड है काफी जगह सुना है, तो सर्कल में भी आपने सुना होगा, वैसे भी हम पढ़ते हैं, जैसे एक तो ये भी पढ़ा होगा कि आपने सर्कल में नॉर्मल क्या बोलते हैं, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको आप नॉर्मल बोल रहे हो। और यहाँ पे एक और बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात होती है ना, तो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इन द नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, बेसिकली आपको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओरिजिन से वो लाइन के ऊपर उसका लेंथ आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए स्टूडेंट और मुझे बताइए क्या आ रहा है, एक्स कोस अल्फा मतलब कोस ऑफ 210 डिग्री प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 210। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है मैम वैल्यू कैसे निकाले, बहुत ईजी स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ कैसे करते हैं। अभी इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये अलाइंड एंगल हम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया होगा कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग,
अनुभाग पे हम क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल लेते हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेते हैं जहाँ पे सेंटर जिसका ओरिजिन पे हो जाता है, और जो सर्कल बनाते हैं हम स्टूडेंट, क्योंकि हमने क्या है रिलेशन डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में अपने पढ़ा था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको हम नो चेंज लाइन बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो जैसे अभी मैं लिख के बता रही हूँ आपको, मिल रहा है एक्स इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर यहाँ पे प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है। अभी स्टूडेंट मैं इसको बता रही शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली बता देती हूँ, वैसे तो कुछ स्टूडेंट को याद भी होगा कि कोस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, जहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ट्रिक के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो कोस का कोस ही लिखना है आपको स्टूडेंट, ये जो एक्यूट एंगल है ये 30 डिग्री, लेकिन अभी आगे प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है वो कैसे मुझे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि ये जो एंगल जो बन रहा है तो उसका टर्मिनल रे स्टूडेंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आपको पता भी है 210 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको चेक करना है कि कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, और ये कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, वहां पे हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया था, ठीक है, तो वहां पे आपने ये तो नोटिस किया था कि वहां पे जो थीटा एक्यूट एंगल हम लेते थे, ठीक है, वहां पे क्या करते थे स्टूडेंट, आपको कुछ ऐसा आता था वाई इज इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा आ रहा था, तो वो वाला ट्रिक अगर आपको याद है कि एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कोस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बेसिकली क्या आता है स्टूडेंट, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कोस 30 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे प्लस साइन है वाई, स्टूडेंट यहाँ पे भी वापस मैं लिखूंगी साइन 30 डिग्री, बट मुझे साइन के आगे प्लस लगाना है कि माइनस लगाना वो वैसे ही चेक करती, क्योंकि मैंने बताया वाई इज इक्वल टू साइन थीटा वहां पे लिखते थे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अदरवाइज तो आपको ऑलरेडी अलाइंड एंगल्स के फॉर्मूले पता है, क्योंकि साइन की बात करें तो ये भी आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे वाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे अच्छे से लिखिए ये क्या हो रहा है क्यों नहीं, वाई इंटू यहाँ पे होगा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, स्टूडेंट नहीं याद है तो ये ट्रिक है, हम लोग आगे जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे उस टाइम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, एक पेज ऐड कर लेते हैं तो बेसिकली हमें ये मिलेगा, तो देख लीजिए क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मैं माइनस बाहर लिख देती हूँ, तो आपको ये मिल रहा है माइनस ऑफ एक्स कोस 30 डिग्री, एंड यहाँ पे फिर माइनस साइन है तो ये मिल रहा है माइनस ऑफ वाई इंटू साइन 30 डिग्री, एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको मिल रहा है 5। प्लीज सोल्व करके मुझे बताइए क्या इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो ऋषिता ने आंसर दिया है, जिया ने भी दिया है, लेटेस्ट चेक सबका यही आ रहा है कि नहीं, स्टूडेंट देख लेते हैं, ये देखो माइनस एक्स है, कोस 30 डिग्री पे वैल्यू सबको पता है कितनी होती है स्टूडेंट, ये होता है √3/2, और यहाँ पे फिर माइनस साइन है माइनस वाई इंटू साइन 30 डिग्री पे वैल्यू सबको पता है 1/2 होती है, और ये इक्वल टू 5। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर सेम ही दिख रहा है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखने के तरीके माइनस ऑफ √3 इंटू एक्स अपॉन, ओके मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, मैंने कॉमन अगर डिनोमिनेटर ले लिया है तो ये है 2, और ये राइट साइड में आपको 5 मिलेगा स्टूडेंट। अभी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, प्लीज बताइए, देखो मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि मैंने एक साथ एक स्टेप कम कर दिया, नहीं तो आप ऐसा लिखते माइनस ऑफ एक्स इंटू √3/2, फिर लिखते माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, उसके बाद आप एलसीएम लेते, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये मिल जाएगा 2 5 10 हो गया, एंड यहाँ से स्टूडेंट अगर आप क्या है ऐसा भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप माइनस √3x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी आप नोटिस करेंगे सब जगह माइनस दिख रहा है, तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, या तो माइनस वन से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं या माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस साइन चला जाएगा आपके पास, तो फाइनली आपको ये मिल रहा है √3x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी चेक करते हैं कितने स्टूडेंट ने आंसर दिया है ये वाला, ऋषिता वेरी गुड, यहाँ पे आपने आंसर दिया है, लेकिन हाँ एक चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जिया ने भी आंसर दिया है, लेकिन जी आपका बीच में दो जगह माइनस साइन है, चेक कीजिए स्टूडेंट सबका यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, एवरीवन प्लीज चेक कीजिए मेरा ये आया है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, स्टूडेंट यही रिक्वायर्ड इक्वेशन, आप चेक कर लीजिए, किसी का कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
मैम ठीक है, सबको समझ में आए ना स्टूडेंट? इसमें ओके ठीक है, ये आपका जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किया है उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। प्लीज याद रखिए, जब आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि जो लाइन है उसके ऊपर आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसका आपको लेंथ बता दिया जाएगा कि ओरिजिन से लेके जो आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे डिस्टेंस बोला है, तो आपको समझ में ही आ गया हो गया ओरिजिन से लेके लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका लेंथ ही बता रही दिया है, और एंगल आपको बताया जाएगा कि जो लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे, जिसको हम अल्फा बोल रहे। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म यूज करने वाले, ठीक है? तो नॉर्मल फॉर्म से आपका डायरेक्टली यहाँ पे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। सो बाय नॉर्मल फॉर्म हमें मिल रहा है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी क्या है? आपने लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से उसका लेंथ है, परपेंडिकुलर की लेंथ है, ठीक है? अल्फा क्या है? वो जो परपेंडिकुलर आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, ठीक है? किसी को डाउट है कोई स्टेप में प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे का करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन लोगों ने आंसर तो सही दिया है या ट्राई किया, मिस्टेक हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है सोल्व करना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट ये वाला। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी एंड इज इंक्लाइंड एट, ओके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी है 2.3 एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है? और आपको क्या बोला है स्टूडेंट? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम पी ऑन आइदर साइड ऑफ पी। अगर किसी को याद है अच्छे से तो स्टूडेंट ये हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में बताया था, अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर तो आप वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो पॉइंट गिवन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे, जैसे आर यूनिट डिस्टेंस पे। तो वो वाले केस में स्टूडेंट बात की जाए तो दो पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल भी सकते हैं कि जो वो गिवन पॉइंट से आगे हो लाइन के ऊपर या पीछे हो, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो वहाँ पे दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपका, जैसे यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया है 6 यूनिट, ठीक है? तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने वाले हैं, लेकिन वो क्या है मैं एक बार डायग्राम से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट? कुछ ऐसा हमने बनाया था लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था पैरामेट्रिक फॉर्म, कोई जैसे ये लाइन थी आपके पास एल, ये देखो इंक्लिनेशन आपको दिया था ये थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट गिवन था आपको जिसके कोऑर्डिनेट थे x1, y, और आपको इतना बोला था कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया है पी पॉइंट स्टूडेंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, सिर्फ आपको इतना पता है, इसको नाम दे दिया क्यू, पी क्यू का जो लेंथ है मतलब पी और क्यू का डिस्टेंस है आपका ये आर यूनिट है। तो ये स्टूडेंट पॉइंट पी आपका आगे भी हो सकता है और ये पॉइंट पी आपका पीछे भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि वहां पे तो जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आगे लिया था, लेकिन वो पीछे भी हो सकता है। तो हमने जब पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी तो लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा था, ठीक है स्टूडेंट? किसी को अगर याद नहीं है तो मैं वापस से दिखा देती हूँ। x-x1 / यहाँ पे लिखते थे आप cos थीटा इज इक्वल टू y-y1 / यहाँ पे लिखते थे साइन थीटा इज इक्वल टू आर। आर क्या है? यहाँ पे मैंने पैरामीटर बताया था आर, ठीक है? तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में बोल देंगे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जिसका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपको आर यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन में तो डायरेक्टली भी बोला है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट, कि ऐसे दो ही पॉइंट मिलेंगे लाइन के ऊपर जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से 6 यूनिट है, ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, यहाँ पे पॉइंट पी पूरा अच्छे से आएगा, पी स्मॉल पी नहीं आएगा, कैपिटल पी ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई। और हमने क्या लिखा था, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे? ऐसा लिखते थे एक्स इज इक्वल टू किसी को याद हो तो x1 + r cos θ एंड वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते थे y1 + r sin θ, ठीक है स्टूडेंट? लेकिन अभी आपको पता है दो पॉइंट मिलेंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा, ठीक है? माइनस कब आता, क्योंकि अगर वो पॉइंट जो गिवन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली स्पेसिफाई किया है कि दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो गिवन पॉइंट से जिसका डिस्टेंस आपको कुछ 6 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा हमें। एवरीवन प्लीज बताइए, हमने जब आपको स्टेटमेंट दिया था वहां पे सिर्फ प्लस लिख के बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो आप डायग्राम बनाते हैं बेसिकली आपको ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे लाइन एल के ऊपर जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से आर यूनिट रहेगा, ठीक है एवरीवन? प्लीज बताइए, तो अभी सोल्व करते हैं। ये वाली फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो
तो अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी हमें पता है स्टूडेंट वही लिख लेते हैं। तो हमें क्या मालूम है वो लिख देते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस और माइनस दोनों लिख रही मैं यहाँ पे r cos थीटा। थीटा क्या है स्टूडेंट, लाइन का इंक्लिनेशन है आपको दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। और यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट क्वेश्चन में जो फिक्स देखो आपको एक पॉइंट से जिससे लाइन पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट दिए है 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए x1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और बताइए और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, आप पूरा लिखेंगे। आर जो है डिस्टेंस की बात कर रहे हो, 6 यूनिट दिया है, ठीक है। तो आर आपके पास हो गया 6 यूनिट, ठीक है। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ओके okay, और क्या दिया स्टूडेंट, थीटा की भी वैल्यू दी है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, हमें कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे x आपके पास हो जाएगा, x1 की वैल्यू है 2, y ओके यहाँ पे y1 की वैल्यू 3 है, तो x हो गया आपके पास 2 प्लस और माइनस r की वैल्यू है 6, cos थीटा मतलब cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको मिलेगा 2 फिर है प्लस और माइनस 6, cos 30 डिग्री भी आई थिंक सबको पता है वैल्यू रूट 3/2 होती है, यहाँ से और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 2 1 2 2 3, तो आपको स्टूडेंट 3√3 मिलेगा, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे वो लिख के दिखाते, लेकिन पहले ये देखिए वैसे ही मुझे y की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, देख लीजिए y1 प्लस r sin थीटा, y1 की वैल्यू है 3 प्लस और माइनस 6 साइन थीटा साइन 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे आपके पास बात की जाए स्टूडेंट तो y इज इक्वल टू आपके पास मिल रहा है 3 प्लस और माइनस साइन थीटा, ओके अगर थीटा आपने 30 डिग्री लिया तो स्टूडेंट साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1/2 एवरीवन, तो देख लीजिए आपको यही मिल रहा है क्या, y इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 3 एवरीवन, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं points on the line, points on the line at a distance of, at a distance of, at a distance of 6 units from point P, point P जिसके coordinate 2, 3 है are given, ठीक है। अच्छा ये ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने स्टूडेंट जिसका डिस्टेंस ये गिवन पॉइंट से 6 यूनिट है, तो बताइए पॉइंट पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आपने प्लस साइन लिया है तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस 3√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे पॉइंट्स ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ये गिवन पॉइंट आर, एक तो हो गया यहाँ पे वापिस से चेक कर लेते 2 प्लस √3, पहले हमने प्लस साइन लिया ये x कोऑर्डिनेट हो गया एक पॉइंट का, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस साइन लेते हैं यहाँ पे 3 प्लस 3 स्टूडेंट 6 हो जाएगा, और दूसरे वाला पॉइंट बताइए जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3√3, और यहाँ पे माइनस लिया तो 0 हो जाएगा, मतलब तो ये दो पॉइंट आपने बता दिए हैं जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट P से 6 यूनिट है और वो दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर है, ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट ये तो हो गया, ये दोनों कोऑर्डिनेट आप मतलब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए हैं, दो पॉइंट आपने फाइंड कर दिए हैं लाइन के ऊपर जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट P से 6 यूनिट पे है। अभी लाइन का इक्वेशन कैसा लिखते थे, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, वो अभी हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने इतना लिख दिया था पॉइंट ऑन ए लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ये हमने उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए थे दोनों पॉइंट के, ठीक है। अभी क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, ठीक है, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट बताइए। लाइन L1 लिखना चाहिए था, L1 लिख दीजिए, तो वही जो हमने पढ़ा था पैरामीटर, ये लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r लिखते हैं, लेकिन r नहीं लेंगे क्योंकि हमें x और y के टर्म्स में इक्वेशन लिखनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे इक्वल टू आर ही होता है ये बेसिकली, लेकिन हम आर ऑलरेडी आर की हमने बात करें, वो आर कहाँ पे यूज किया है, हमने वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आर यूज किया है जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से आपको आर यूनिट दिया रहता है, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 दिया था, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। तो डायरेक्टली इसको अगर हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या है लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो सोल्व कीजिए प्लीज, बताइए एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी ली है हमने 2 और वाई वन की वैल्यू है 3, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए एक्स माइनस टू यहाँ पे हो गया कोस ऑफ 30 डिग्री एंड ये हो गया हमारे पास वाई माइनस 3 अपॉन एक्स। हाँ प्लीज बताइए मैम, बोर्ड शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन ही हो रही है बस शो आपकी। अच्छा नहीं हो रहा है, एक सेकंड मैं वापस से चेक करती हूँ क्या इशू हुआ। स्टूडेंट अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन, बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू जिसने मुझे रिमाइंड कराया यहाँ पे। स्टूडेंट हमें ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r होता है, लेकिन हमें इक्वेशन लिखनी है लाइन की, तो यहाँ पे x एंड y के टर्म्स में लिखना है, तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्व कीजिए, यहाँ पे साइन थीटा की, ओके यहाँ पे थीटा कितना दिया आपको 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिलेगी x और y में वो गिवन लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए सब्स्टिट्यूट, तो x माइनस टू कोस 30 डिग्री पे अभी आपने वैल्यू बताया मुझे रूट 3/2 होता है, ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट साइन 30 पे कितनी वैल्यू होती है 30 डिग्री पे 1/2, ठीक है। अभी इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट, कुछ बच्चे अभी डायरेक्टली ये जो डिनोमिनेटर में दिखना है उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके तो वैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ओके जगह ही नहीं है, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए जो डिनोमिनेटर में दिख रहा था वो फ्रैक्शन फॉर्म में स्टूडेंट, तो रूट 3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसा 2/√3 और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ का रेसिप्रोकल हो गया स्टूडेंट 2 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। अभी आप जैसा चाहे वैसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 कैंसिल कर दिया मैंने, उसके बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर लीजिए, एक्स माइनस टू आपको मिलेगा रूट 3 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस टू मिल रहा है रूट 3 इंटू वाई माइनस 3√3, ठीक है। और चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप ऐसा, एक्स माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 2+3√3 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। तो x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 2+3, ओके कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने, चेक कीजिए, प्लस नहीं माइनस आएगा ना यहाँ पे, कोई बोल ही नहीं रहा है यहाँ पे माइनस आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वाली टर्म तो इधर ही रही है ना, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि माइनस टू हमने शिफ्ट किया राइट साइड में तो इसका साइन प्लस 2 हो गया, लेकिन माइनस 3√3 है स्टूडेंट ये तो इधर ही था राइट साइड में ही था, तो इसका साइन सेम ही रहेगा। तो ये इक्वेशन आ रही है सबकी, प्लीज बताइए ये कुछ अलग आ रही है, आप लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। एवरीवन बताइए कुछ समझ में आया, कुछ डाउट है, ठीक है। चैट भी मैं पढ़ लेती हूँ आपका, किसी ने कुछ पूछा है क्या स्टूडेंट, बताइए सबको समझ में आया ये कौन सी है, पैरामेट्रिक फॉर्म। जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि ऐसी कोई लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे देंगे और बताएंगे कि फाइंड द, आप बोलेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपको कुछ आर दिया रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होगी, और यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे लाइन का इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r होता है r, और की बात की जाए तो r कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं जिसका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे लाइन के ऊपर जिनका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस आता है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, मतलब जो लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब अगर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो वो थीटा आपको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें बताइए। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वाला प्लीज बताइए कैसे करेंगे एवरीवन। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट दिए 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा स्टूडेंट मुझे बताइए, आपको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पी से पास हो, ठीक है, और पैरेलल किसके होना चाहिए, जो लाइन आपका ए और बी पॉइंट से पास हो उस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप निकालेंगे। वो बताइए पहले तो मुझे बताइए, जो लाइन ए और बी से पास हो रही है उसका इक्वेशन निकालना जरूरी है कि स्लोप से भी काम चल जाएगा हमारा, प्लीज बताइए एवरीवन। स्लोप से काम चल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल लाइन होती है उनका स्लोप सेम होता है। एवरीवन बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ yes, पे ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जितना स्लोप आएगा वही स्लोप वो लाइन का आएगा जो पी, मतलब जो ए और बी से पास हो रही, पी नहीं आई एम सॉरी, तो वो लाइन सेगमेंट जैसे आप बोल रहे ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जितना स्लोप आएगा उतना ही स्लोप आपका लाइन का आएगा जो ए और बी से पास हो रही है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, याद है सबको कैसे करते थे, y1 - y2 अपॉन x1 - x2 यूज कीजिए, या y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो भी मेथड आपको इजी लगे उधर से स्लोप बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा 7 - 4 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2, तो सबका ये आ रहा है क्या, प्लीज बताइए 3/5, वेरी गुड। ठीक है, तो स्लोप अगर ए बी का 3/5 है स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं जैसे ये जिस लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है कुछ ऐसा ले लेते हैं, लेट एल बी द लाइन, एल बी द लाइन पैरेलल टू, पैरेलल टू ए बी भी लिख सकते हैं, पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर जो ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट है बेसिकली, और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने ए बी बोला है, तो आपका जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू ए बी, ठीक है, और इसका स्लोप स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एंड स्लोप भी लेना चाहे तो लिख सकते हैं, लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू ए बी, लिखा हमने एक बार चेक, लेट एल बी द लाइन पैरेलल टू ए बी ऐसा विद स्लोप एम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्टूडेंट। ओके यहाँ पे लिख, आपकी मर्जी, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ओके पैरेलल टू ए बी एंड हैविंग स्लोप, हैविंग दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता, एक सेकंड इरेज करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट पे लिखते हैं स्टूडेंट, let l be the line parallel to ab and having slope, ऐसा लिख सकते हैं, and having slope m। ठीक है, तो यहाँ से जो क्योंकि parallel line है तो parallel line का slope same होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m is equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3/5, प्लीज बताइए एवरीवन, लिख सकते हैं ऐसा स्टूडेंट, कोई बोल रहा है? Okay. तो आपको लाइन एल का स्लोप, yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, और ये आपको पता है पॉइंट पी से पास हो रही है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट की बात की जाए स्टूडेंट कितना है 4, -5, 4, -5 एंड हैविंग द स्लोप लिख सकते हैं, एंड हैविंग द स्लोप 3/5, m इज इक्वल टू 3/5 भी लिख सकते हैं, इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे स्टूडेंट बताइए, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, एक पॉइंट पता है स्लोप पता है, कैसे लिखते थे इक्वेशन लाइन का, y - y1, यस मैम, ये हो गया y, माइनस ऑफ माइनस फाइव प्लस हो गया, यहाँ पे वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू
वेरी गुड। अभी सिंप्लीफाई की करके मुझे बताइए स्टूडेंट क्या आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपने 5 इधर भेजा होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे वेरी गुड। यहाँ पे क्या था एक बार हम चेक कर लेते हैं, 4 तक ही क्या था, तो यहाँ पे 3 × x-4 है, 3 × x-4। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया हमारे पास 5y 25, ठीक है, इज इक्वल टू 3x-12 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, 3x-5y-12-25 = 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप 0 इधर भेजेंगे लेफ्ट साइड में, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ बचेगा ही नहीं तो 0 आएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो इक्वेशन सब लोग चेक कीजिए, यही आ रहा है क्या, 3x-5y-37 = 0, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, यही दिया हुआ, ठीक है, प्लीज बताइए इसमें। ओके ठीक है, पक्का ना स्टूडेंट, किसी को डाउट नहीं है इसमें? नो मैम। अभी स्टूडेंट जो क्वेश्चन अभी मैं दिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ओके क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट हूज एंड पॉइंट्स आर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट सबको आता है, एक बार मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास ए और बी यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा रहेगा, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे है बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 10.4 दिए हुए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4.9, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जैसे ब्लू कलर में, ओके, जैसे हमने यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है रफ में, तो यहाँ पे आप कुछ इसका नाम देना चाहे तो दे दीजिए। किसी ने कुछ पूछा है क्या स्टूडेंट? अच्छा अपने एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, करिश्मा ने, प्लीज बताइए करिश्मा। माइनस होगा 37 या प्लस का होगा? एक सेकंड, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, आपका कितना आ रहा है स्टूडेंट बताइए। देखो यहाँ पे देखो, ये -12 था, एक दो तरीके इसको सोल्व करने के, ये जो 25 था ना लेफ्ट साइड में आपने राइट साइड में भेजा, ठीक है, तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे -37 आ रहे हैं, सबका यही आ रहा है क्या? करिश्मा एक बार आप बताइए, आपका कुछ प्लस आ रहा है क्या? 5x ले जाए दूसरी तरफ। ओके देखो मैं करके दिखाती हूँ, एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली लिखा, देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ दिया था हमें 5y+25 = 3x-12, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर 0 रहने दिया, ठीक है, और बाकी टर्म को उधर भेजा है मैंने, तो यहाँ पे मिल जाएगा -5y-25, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है लेफ्ट साइड में 0 ही लिखा है, और यहाँ पे है 3x-5y- आपके पास कितना हो रहा है 37, ठीक है, 0 इज इक्वल टू दिस, या 3x-5y-37 = 0, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। करिश्मा अभी समझ में आया? यस मैम। ओके तो ये नीचे वाला मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने वो डायरेक्टली लिखा था एक दो स्टेप बचाने के लिए, लेकिन अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रही हूँ आपको, क्या दिया है आपको, इक्वेशन किसका फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, ये जो लाइन है ए बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, ए यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर में, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, इसको एल बोल दिया, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करे सपोज मैंने इसको बोल दिया एन। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया, जो एल एम है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, ठीक है। और क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो एम है स्टूडेंट वो मिड पॉइंट हो गया किसका, ए बी का, एग्री कर रहे स्टूडेंट? हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर एम के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हो ना मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और आपने अगर ए बी का स्लोप निकाल लिया है स्टूडेंट, ठीक है, एक बार हम ये वाला कर लेते हैं। तो अभी एक सेकेंड, कुछ नाम आप कुछ भी लेना चाहिए, सी डी जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला से एम क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब एम ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 10-4/2 मतलब 6/2 एम के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, ठीक है, 4+9 होता है 13, ठीक है, तो 13/2 ये आपका हो जाएगा पॉइंट एम का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ओके
स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया तो लिख लेते हैं तुम, क्योंकि क्वेश्चन तो और थे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज, यहाँ पे आपने बताया है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम, और उसके कोऑर्डिनेट अभी लिख सकते हैं 3, आपने अभी बताया 13/2 आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या कर सकेंगे कि हम ए बी का अगर स्लोप निकाला तो एल एम का स्लोप आप बता सकते हैं, क्योंकि ए बी का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय एल एम का स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है ईच अदर तो वो वाले केस में उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। एग्री करेंगे कि नहीं? ठीक है, यस मैम। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी, जो स्लोप ऑफ ए बी की बात करें तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा बताइए, जो भी यूज करना है कीजिए, y1 - y2 / x, यहाँ पे x1 - x2 करना है तो वो भी कर सकते हैं, या 9 - 4 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, 9 - 4, ठीक है, y2 - y1 / x2 - x1, तो ये हो गया -4, एंड यहाँ पे कितना होगा देख लेते हैं, -10, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 9 - 4 यहाँ पे 5 मिला है, यहाँ पे स्टूडेंट -14, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं -5/14। ठीक है एवरीवन, बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी एलएम का स्लोप को कुछ नाम देना है तो दे सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिखना है तो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो लेट द स्लोप ऑफ एल एम डी, अगर आपने इसको स्मॉल एम बोला है तो ये वाले केस में, तो देयरफॉर यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि आपको डायग्राम से भी पता चल रहा है एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -1, सो -5/14 × m = -1। ठीक है, ये लिखना भी है तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लेट द स्लोप ऑफ एल एम बी एम, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि एल एम क्या है, परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इसका मतलब है उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो लेकिन मैं आपको सब समझाने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताइए m की वैल्यू कितनी आ जा रही आपकी, यहाँ से m आपका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 14/5 आ रहे हैं, ये डायरेक्टली भी आप बता सकते थे। ठीक है, m आपका 14/5 हो गया। और अभी स्टूडेंट lm का इक्वेशन निकालना इजी है, आपको पता लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको पता है, m के कोऑर्डिनेट पता है और उसका स्लोप पता है, तो लिख सकते हैं ना, तो देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ एल एम, इक्वेशन ऑफ एल एम इज गिवन बाय, ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देख लीजिए एम के कोऑर्डिनेट आपको पता है 3, 13/2 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा एल एम का, आप लिखेंगे y - y1, तो y - 13/2 = स्लोप कितना आया था हमारे पास अभी 14/5 आया था। ठीक है, एल एम का, और यहाँ पे इंटू आप लिखेंगे x - x1, शायद यहाँ पे 3 हमारे पास 3 है। ठीक है, ये वाला सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास मिलेगा ये एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, अब 2y - 13/2 हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम 2 आया स्टूडेंट, फिर क्या किया हमने, सेम डिनोमिनेटर बनाना है तो यहाँ पे 2 लिखा, न्यूमरेटर में आएगा 2y - 13। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 14/5 × x - 3। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 × 2y - 13 = 2 × 14 × x - 3 हो जाएगा। प्लीज बताइए अगर नहीं समझ में आया तो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 10y - 13 देख लेते हैं 65 आता है, ये हो गया 28x - 28, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 84 आना चाहिए, चेक करते हैं 3 × 8 = 24, और यहाँ 84 ही आ रहा है स्टूडेंट। अभी इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपके पास, आपके पास आना चाहिए देख लीजिए 28x, मैं लिख देती हूँ 28x, फिर आपके पास था -10y, फिर है माइनस साइन है आपके पास -84, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 65 = 0, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये प्लस 65 हो जाएगा क्योंकि आप उधर भेज रहे हैं राइट साइड में, तो सिंप्लीफाई करके बताइए 28x - 10y और इधर कितना आ रहा है,
एवरीवन 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 7 में से 6 जाएगा 9, ये आ रहा है। प्लीज बताइए 28x माइनस 10y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करी थी, ठीक है। तो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हमने निकाल दिया। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट करिश्मा, रिशिता, जिया, रीमा ने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था, वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोग ट्राई कर। अच्छा स्टूडेंट अभी प्लीज मुझे बताइए किसी को इसमें डाउट है अभी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा नहीं रही क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, लेकिन समझ में आना जरूरी है, ठीक है। स्टूडेंट क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके तीनों वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है, एक बार मैं रफ डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका, बस टाइम कंज्यूम 10 मिनट लगेगा पूरा सॉल्यूशन करने में, लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। एक एक कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया है स्टूडेंट, 1, 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने बी ले लिया है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको, 2, -3, ठीक है। यहाँ पे सी पॉइंट है स्टूडेंट, उसके कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको, -1, -2, ठीक है। स्टूडेंट समझना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर आप खुद से सोल्व कर पाएंगे। ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं आपको, आपको फाइंड करने पहले वाले केस में मीडियन थ्रू ए, इसका मतलब समझ में आया स्टूडेंट, ए से पास होने वाला, देखो देखिए यहाँ से, अब आपके पास यहाँ पे देखिए बीसी का मिड पॉइंट सपोज आपने डी बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आप ए से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हो लाइन सेगमेंट से, तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। एवरीवन प्लीज बताइए समझ में आया, देखिए मीडियन थ्रू द ए, मतलब ए वर्टेक्स से पास होने वाला मीडियन की बात करें, तो ए के आपने उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डी के कोऑर्डिनेट कोई बता सकते हैं मुझे, तो देखिए 2 + -1 करेंगे तो 1/2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे -3, ये कितना हो गया एवरीवन, -3, यहाँ पे मुझे लग रहा है -5/2 आ रहा है। प्लीज बताइए सही लिखा है कि नहीं, मुझे बताइए। ए से जो पास होने वाली यहाँ पे मीडियन आपको बात करना है, तो ए को आपने उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ए डी यहाँ पे मीडियन हो गया। ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है स्टूडेंट, 2 पॉइंट फॉर्म से ए डी का इक्वेशन लिख सकते हो। प्लीज बताइए एक बार एवरीवन, प्लीज बताइए कर सकते हैं ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन स्टूडेंट, मैं आपको सॉल्यूशन करूंगी, लेकिन अभी के लिए टाइम कम है इसके लिए समझा रही हूँ। अभी दूसरा क्या है, एल्टीट्यूड थ्रू बी, मतलब यहाँ पे देखो डायग्राम में समझाती हूँ आपको, बी से अगर आप उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे कुछ ऐसा बताया मैंने, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम कुछ आप देना चाहे ई ले दीजिए, ठीक है। प्लीज बताइए स्टूडेंट कितनी बात समझ में आई, तो इसमें क्या करना है, एसी का स्लोप निकाल सकते हो आप, इजिली निकाल सकते हो, एसी का स्लोप निकाल दिया। बी क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी इज परपेंडिकुलर टू एसी हो गया, तो जितना एसी का स्लोप आएगा बी का स्लोप कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। और आपको पता है बी का स्लोप पता चल गया, बी कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से बी का इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट निकाल सकते हैं ना। एवरीवन बताइए समझ में आया, बी का स्लोप निकालना बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है बी परपेंडिकुलर टू एसी है, एसी का स्लोप निकाला तो बी का स्लोप कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ एसी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करूँ स्टूडेंट, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में नाम दे देती हूँ, यहाँ पे जैसे इसका नाम ई ले लिया है, आप इसका एफ दे दीजिए, यहाँ पे आप कौन सा नोटेशन यूज करूँ, जैसे सपोज एल दे दिया, कैपिटल एल स्टूडेंट, यहाँ पे एल एफ जो है ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका अभी हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका इक्वेशन निकाला है, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, एफ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से एफ के कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ए बी का अगर आपने स्लोप निकाला है तो एल एफ का स्लोप तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी के स्लोप के। प्लीज बताइए स्टूडेंट, एफ के कोऑर्डिनेट पता है तो एफ एल का इक्वेशन लिखना डिफिकल्ट है एवरीवन,
स्टूडेंट बताइए, कर सकते हैं ना? ये वाला होमवर्क मैं अभी दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप कर पाएंगे। यस मैम। अच्छा ये वाला हो गया स्टूडेंट, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ आपको, क्योंकि फिर अपने पास टाइम नहीं रहेगा। ये भी बहुत ईजी है, मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन एक बार समझा देती हूँ कि आपको इक्वेशन फाइंड करना है वो लाइन का जो ये पॉइंट से पास कर रही है, फिर दिया है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली लाइन का स्लोप कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? ये वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा आपके पास -3/-2, मतलब 3/2। ठीक है एवरीवन, इतनी बात समझ में आई? जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हो गया 3/2, तो जो लाइन इसके पैरेलल रहेगी उसका स्लोप 3/2 हो जाएगा, और पॉइंट आपको गिवन है कि ये वाले पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए, तो उसका इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख पाएंगे, लिख देंगे ना? एवरीवन जस्ट बताइए, कोई तो बताइए स्टूडेंट, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो 3/2 हो गया पहले वाले केस में लाइन का स्लोप, और पॉइंट भी पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, जो लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3। दूसरा वाला केस में परपेंडिकुलर बोला है, वो लाइन का इक्वेशन बताइए जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन जो गिवन लाइन है उसका स्लोप 3/2 है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर रहेगी उसका स्लोप स्टूडेंट कितना हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, मतलब -2/3 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप आपको पता चल गया है -2/3 है, पॉइंट आपको पता है जिसके कोऑर्डिनेट दिया है, जो लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3, तो उसका इक्वेशन आप इस स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा y-y1 ठीक है इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप है आपका -2/3 इंटू x-x1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला कर सकते हैं ना? प्लीज बताइए मुझे, ये भी क्वेश्चन में होमवर्क में, सिर्फ आज के लिए इतना, और डोंट वरी लास्ट के दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है एवरीवन, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है मुझे पता है।